हेलो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल हम ईपीएफओ के साइट पे आ चुके हैं और फारगट पासवर्ड के लिए रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग का इवेंट अपना नंबर डाल लेना है, कैप्चा फिल कर लेना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से हम लोग को कुछ इस प्रकार का फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और आधार नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद हम लोग को इसमें एक कैप्चा सबमिट करना है। कैप्चा सबमिट करने के बाद कुछ तरह लोडिंग लेगा। तो देखिए, अभी हम ये सब कॉलम भर रहे हैं, आधार नंबर डाल रहे हैं। उसके बाद से यह हमारा ओपन होगा। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, थोड़ा वीडियो क्वालिटी में मेरे दिक्कत है, वो मैंने मोबाइल से शूट किया है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए, इस तब प्रकार से खुल के आ जाएगा। ये उसके बाद से हमारा पूछेगा कैप्चा और आधार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। एक सेकेंड लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इसके होने के बाद इस तरह से ऐसा खुल के आएगा। फिर इसमें अपना डिटेल्स भरना है। थोड़ा डिटेल्स भरने में टाइम लग रहा है, थोड़ा वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछ रहा है। मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। दोस्तों ने फिल करके ओके कर दिया है। ओके करने के बाद ओटीपी गया है। अब हमारा यहाँ पे ओटीपी भरने के लिए बोल रहा है। इसमें हम ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हमारा ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा, जिसमें हम लोग को न्यू पासवर्ड बनाना होगा। न्यू पासवर्ड बना के हम लोग नेक्स्ट करेंगे। देखिए, हमारा सक्सेसफुल पासवर्ड सेट हो गया है। पासवर्ड न्यूमेरिक में होना चाहिए और अल्फाबेट में होना चाहिए, नंबरिंग में। और इसमें हमारा खुल के आ गया है, जहाँ पे हम देखेंगे कि सर्विसेज में, तो इसमें विड्रॉल वाला है, तो इसमें केवाईसी नहीं हुआ है तो विड्रॉल के लिए कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके लिए अब हम सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं। सेकंड में यहाँ केवाईसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक क्रैक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमको खुलेगा। खुलने के बाद हमसे ये अलाउ मांग रहा है। उसके बाद ही उस पर क्लिक होगा, तो इस पर हम लोग अलाउ करेंगे। अलाउ करके इस पर पेन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग ओके करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी हमारा केवाईसी के लिए अप्रूवल दिया गया है, तो इसीलिए मेरे को ये डायरेक्ट ओटीपी मांग रहा है। तो हम इसमें डायरेक्ट ओटीपी फिल करेंगे। एक सेकंड, ओटीपी आने में टाइम लग रहा है, तो वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, ओटीपी मैंने सक्सेसफुल इनरोलमेंट कर लिया है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का खुलेगा। इस प्रकार खुलेगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें केवाईसी के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया गया है। ऊपर आप लोगों ने देखा
पैन कार्ड, आधार, पासबुक, पासपोर्ट, उस पर आप लोग क्लिक करके अपना केवाईसी के लिए वेरिफिकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पर क्लिक करके आप लोग केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ बैंक और इधर पासपोर्ट पर भी आप लोग क्लिक करके उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा ये आएगा कि हम लोग पासबुक का बैलेंस कैसे चेक करें। सक्सेसफुली हम लोग उसी ऑप्शन में से पासबुक वाले में आ गया है, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद